नमस्कार सभी YouTube के श्रोतागणों, आप सभी के लिए भी प्रश्न है। मंत्रों की व्याख्या किस किस भाग में बताई है? वेद के चार भाग होते हैं, उनमें से मंत्रों की व्याख्या किस में बताई है? इसका उत्तर कौन कर रहा था? सर जय जी बताए। जी सर, चार भाग्य जो थे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उसमें से सर संहिता में मंत्रों की बात कही गई सर? व्याख्या पूछा मैंने, व्याख्या। सर व्याख्या व्याख्या तो नहीं याद हाँ, हुआ। चलिए कोई बात संहिता नहीं, कल्याणी जी बताइए। तो आप बताइए, मंत्रों की व्याख्या किस किस भाग में देखने को मिलती है? सर संगीता में ही तो मतलब उसका व्याख्या संहिता में वर्णन होता है, ब्राह्मण में उसकी व्याख्या होती है। ठीक है, है। ओके ओके सर। मतलब किस विधि के लिए यज्ञ की, किस विधि के लिए किस मंत्र का उपयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, यज्ञ विधि क्रम क्या होगा, ये सारा का सारा किस में वर्णित होता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। जी सर, यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा जो है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? मुझे बताएंगे लकी साहू, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं लकी जी? सर 21 21, बहुत बढ़िया। मुक्तिको उपनिषद के अनुसार कुल कितने कितने उपनिषदों का वर्णन किया गया है नीता जी? सर, 108। 108, बढ़िया। अब बताइए, मुक्तिको उपनिषद के अनुसार अथर्ववेद के भीतर कितने उपनिषद आते हैं? उमेश जी बताइए इसका उत्तर। थर्टी वन है सर। 31 है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो। एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, इसका उत्तर करेंगे मेरे को सौरभ शर्मा जी। जी सर, सर यज्ञ कुल कुल कितने उपनिषद हैं योग के? जी के 20 उपनिषद हैं। कितने पढ़ने हैं हमें? हमें जो 20 उपनिषद हैं उनमें 6 हैं और 2 अलग से, हमें टोटल 8 पढ़ने हैं। 8 पढ़ने हैं। 8 के नाम बताइए तो। श्वेता सत्वर, योग कुंडल, योग कुंडले, योग चूड़ामणि, त्रिशिखो ब्राह्मणो, योग तत्वो, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, योगराज। योगराज, योगराज किस वेद से लिया गया है? ये किसी भी वेद से इसका वर्णन नहीं बताया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शर्मा जी। तेजस भाष्य, यस सर। आप बताइए। श्वेता सत्रो उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया? किस वेद से लिया गया? सॉरी, सॉरी सर, याद नहीं। छोटा सा नहीं याद है क्वेश्चन? ऐसे कैसे चलेगा? देखिए और लोग आंसर कर रहे हैं, प्रियंका वर्मा जी ने किया, देखिए उसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आएंगे आपके। ठीक है, बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये।
चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हो गया, अभी काम करते हैं, आगे चलते, ठीक है? पूछते रहेंगे हम, पढ़ के आना है। हो गया, 8:22 भी हो चुके, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? बताइएगा इस बार, उस दिन तो बहुत देर से हुआ था। गले में हिचकिच। चलिए, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहिएगा, ठीक है? मैं पूछूंगा। हम लोग आज पढ़ेंगे श्वेता सत्र उपनिषद, ठीक है? बेसिकली मैं बता दूं कि जो अब प्रश्न आते हैं ना, वो बहुत नॉर्मल नहीं आते हैं, कि आपसे कुछ भी छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो श्लोक से आता होगा। तो एक बार मतलब कोशिश करना कि एक बार ऑथेंटिक बुक के ना श्लोक्स को एक बार बस देख लो आप लोग, मतलब ऐसे पढ़ना, केवल ऐसे ही ऊपर ऊपर से देखना तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो दो नंबर से होता है जैरब छूट जाते हैं, तो ऐसा होता है। एक सेकेंड रुकिए, चलिए फिर देख लेते श्वेता सूत्र उपनिषद में क्या है। देखिए, इसमें सिलेबस में दो चीजें आती हैं, अध्याय 2 और अध्याय 6। अध्याय 2 में क्या क्या है? ध्यान की विधि, ध्यान का महत्व, ध्यान का स्थान, प्राणायाम का क्रम, प्राणायाम की महत्ता, योग सिद्धि के जो लक्षण होते हैं उनका वर्णन, फिर योग सिद्धि का क्या महत्व है और तत्वज्ञ के विषय में बताया हुआ है। ये अध्याय 2 में है ये सब, ठीक है? आपसे पता है एग्जाम में आप क्या पूछेगा? आपसे एग्जाम में अब ये पूछ रहा है कि ध्यान योग की विधि का वर्णन किस श्लोक में है, प्राणायाम का क्रम किस श्लोक में है, दूसरे अध्याय के मतलब उसके आगे पीछे रहेगा। जैसे मान लो 2 के 46 में है, तो 47, 56, 45, तो आपको अब थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, कि नॉर्मल चीजें नहीं पूछ रहा, अभी श्लोक के नंबर पूछ दे रहा है। आगे आते हैं, परमेश्वर का स्वरूप, अध्याय 6 में परमेश्वर की महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय, मोक्ष की प्राप्ति के उपाय, ये सारा का सारा अध्याय 6 में है, ठीक है? इसका ओवरव्यू है ये। किसका पढ़ रहे हैं हम? श्वेता सत्र उपनिषद पढ़ रहे हैं, ठीक है? कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, कुल 6 अध्याय हैं, जिसमें से हम 2 और 6 को पढ़ेंगे। कुल इसमें 113 मंत्र हैं, 113, 113 मंत्र में पहले अध्याय में 16, दूसरे में 17, तीसरे अध्याय में 21, चौथे में 22, पांचवे में 14 और छठवें अध्याय में 23 मंत्र हैं। आपसे कहीं पे भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहले अध्याय में कितने मंत्र हैं, कुल कितने मंत्र हैं। अगर बहुत टफ बनाने का मन किया यूजीसी का, तो वैसे पूछ देंगे कि अध्याय 4 में कुल कितने मंत्र हैं, ठीक है? योग कौन कौन सा है इसमें? कर्म योग और ज्ञान योग। मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब इसका प्रारंभ ही ब्रह्म जिज्ञासा से हुआ था, उसके बारे में दिखाता हूं मैं अभी। ध्यान योग की विधि का वर्णन है, अभी मैं दिखाता हूं आपको।
स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। जी सर। न्यू स्लाइड है, पीडीएफ शो कर रहा हूँ। जी सर। जी सर। हाँ, अभी आप लोग इसको देखोगे। देखो, श्वेता सत्रु उपनिषद के प्रथम अध्याय में क्या है, एक बार सिलेबस आपको देखना जरूरी है, ठीक है? ये है बुक, ये आप सभी के पास होगी, ईसादी नव उपनिषद की बुक है। इसमें आप लोग देखिए, ये प्रथम अध्याय में जगत के कारण की, जीवन हेतु की, स्थिति का और सबके आधार की खोज का वर्णन इसमें हुआ है। किनके द्वारा? कुछ जिज्ञासु, जो ब्रह्म विषयक जिज्ञासा जिनके भीतर होती है ना, वो आपस में विचार विमर्श करते हैं, ऋषि मुनि, ठीक है? तो उनके विचार विमर्श के बारे में बताया हुआ है। उन्होंने बेसिकली पूछा है वहां पे कि ब्रह्म क्या है, ये जो सत्ता चल रही है ब्रह्म की वो क्या है, इस तरह से कुछ प्रश्न हुए हैं वहां पे। तो इसी ब्रह्म जिज्ञासा के साथ ही इस श्वेता सतर उपनिषद का प्रारंभ हुआ था। काल, स्वभाव, प्रारंभ आदि की जगत कारणता का खंडन किया है इसमें। विश्व का चक्र और नदी के रूप में वर्णन, विश्व का चक्र बताया हुआ है इसमें, नदी के रूप में हम जिस तरह से समाप्त हो रहे हैं ना इस जगत में, वैसे बताया हुआ है। और परमात्मा द्वारा जीवात्मा के अनुसार संसार चक्र में घुमाए जाने का, मतलब हम संसार चक्र में आते हैं, भोग करते हैं और फिर वापस से इस देह को त्याग कर वापस से अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। इसी प्रकार जो संसार चक्र में हम घूम रहे हैं, परमात्मा द्वारा घुमाया जा रहा है, तो इसका वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। परमात्मा का स्वरूप ना जानने से जीवात्मा के बंधन होने और जानने से मोक्ष होने का वर्णन भी है, ठीक है? ये प्रथम अध्याय की बातें हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पूछता है, मतलब पढ़ो भले नहीं, कम से कम उसका सिलेबस जान लो आप लोगों की, क्या क्या चीजें सिलेबस अध्याय एक में आएंगी। ओमकार की उपासना का वर्णन भी है इसमें। देखो, अरणि मंथन, अरणि मंथन के बारे में अगर आप जानते होगे, तो जैसे जो आग उत्पन्न करते हैं ना, तो अरणि एक समझ सर लीजिए। सर 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 सर, ये दूसरा अध्याय और छठा अध्याय ही तो है ना हमारे सिलेबस में, श्वेतासुर दूसरा छठा अध्याय बिल्कुल है, मान रहे हैं हम आपकी बात। जी सर। लेकिन अब ना केवल दूसरे और छठवे से नहीं पूछता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले अध्याय से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। जैसे इसमें देखोगे आप ना, पहला अध्याय इंपॉर्टेंट इसलिए कि कुछ प्रश्न मैंने देखे हैं जो पहले अध्याय से आ जाते हैं, मतलब आपको नॉलेज है कि नहीं है पहले अध्याय का, बस सिलेबस एक बार देख लो क्या है। पढ़ना दूसरा और छठवा ही है, मतलब हमने भी ऐसे ही पढ़ी थी। ठीक है सर, ठीक। हाँ, मतलब पढ़ा हमने भी ऐसा ही था कि मतलब देखा ही नहीं था उनको, कभी देखा ही नहीं तो फिर वो चीजें दिक्कत कर दी थी। एक बार आप देखे रहोगे कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हैं, है ना, पता तो होना चाहिए कहाँ पे क्या है, ठीक है? कम समय में कंसाइज करके समझ रहे हैं, टेंशन मत लेना, दूसरा और छठवा ही पढ़ेंगे हम, ठीक है? जी सर। और एक बात और, गुरु के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है? समझ रहे हैं आप सभी? जी सर, शिव आस्था संहिता में रख बताना है सर बहुत डीपली। रख के बैठिएगा तभी जाके कल्याण होता है। अगर आपकी आस्था आपके डॉक्टर के प्रति भी नहीं है तो कितनी भी अच्छी दवाई खा लीजिए कोई काम नहीं आने वाली। जी सर, एग्रीड एग्रीड। हाँ, तो इस राह में चल चुका हूं, वही राह दिखा रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है? ये प्रथम अध्याय में है ये सब चीजें, अरणि मंथन के बारे में, ओमकार की उपासना का वर्णन भी है, ठीक है? तिल में तेल, दही में घी आदि की भांति हृदय गुहा में छिपे हुए परमात्मा को जानने के बारे में भी बताया हुआ है। तप के द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा, अब देखो ये तप के द्वारा दिख रहा है यहाँ पे,
तप के द्वारा प्राप्त करने के लिए पढ़ना, इससे प्रश्न बना हुआ है कि ब्रह्म ऋषियों ने ईश्वर को किसके द्वारा प्राप्त किया, यज्ञ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा। देखो नॉर्मल सा लिखा है तप के द्वारा, और इससे प्रश्न बना था। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना तो आपको समझ में आएगा कि आपको अब कैसे पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है द्वितीय अध्याय की, जो अभी इंपॉर्टेंट है सिलेबस में है। प्रथम अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है, जो अभी आप सभी को दिखाया मैंने, फिर ध्यान योग की विधि का वर्णन, फिर प्राणायाम का क्रम है, फिर ध्यान के लिए स्थान और उसकी भूमि का वर्णन, फिर योग साधना में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, फिर योग साधना से भूत संबंधी 5 सिद्धियां उनके बारे में बताया हुआ है, योग साधना करके आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को जानने का क्या फल होगा उसके बारे में, कृतकृत्यता समझते हैं, मतलब जो भी करना था कर लिया, जो भी जानना था जान लिया, जो भी पाना था पा लिया, अब कुछ भी शेष बचा नहीं, कुछ भी शेष बचा नहीं है, उसी को बोलते हैं कृतकृत्यता। समस्त बंधन से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी इसका वर्णन भी है ये द्वितीय अध्याय में, ठीक है। ये सारा का सारा अभी हम देखते हैं द्वितीय अध्याय को। पहले द्वितीय अध्याय जाने से पहले मैं प्रथम अध्याय में जाऊंगा, बिकॉज जो गलती मैंने की थी आप लोग को नहीं करने दूंगा, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं कि प्रथम 5 श्लोक्स में मंत्र में किसका वर्णन है। प्रथम 5 श्लोक जो है ना, जैसे कि मान लो जी ईशावास्य उपनिषद खुल गया हमारा, चाहे ब्रह्मानंद वल्ली है इसके नीचे, यह है श्वेता शतरोपनिषद। अब के प्रश्न ऐसे आते हैं, ये बुक है ठीक है, स्लाइड भी है मेरे पास, ये देखो स्लाइड भी है, ये स्लाइड देख रहे हो, स्लाइड भी है अपने पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक बार आप लोग बुक देख लो, मैं चाहता हूं आप लोग बुक देखें। स्लाइड से पढ़ा सकता हूं, लेकिन स्लाइड से पढ़ने में और बुक से पढ़ने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। स्लाइड से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनाने में मतलब ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में, समझ में भी चीजें आती हैं। एक बार लेकिन किताब जरूर देखो, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ। ओके सर, स्टार्ट कर रहे हैं ना तो अच्छे से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रथम अध्याय में अब कैसे प्रारंभ हुआ श्वेता शतरोपनिषद का, ये प्रश्न बन सकता है, बना भी है। तो इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मवादिन अर्थात ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु कौन रहे होंगे, वो वेद ऋषि, वे आपस में चर्चा करते रहे होंगे, हे वेद महर्षियों इस जगत का मुख्य कारण क्या है, इस जगत का मुख्य कारण क्या है, ब्रह्म कौन है, हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे जी रहे हैं, किसमें हमारी सम्यक प्रकार से स्थिति है, किसके अधीन रहकर हम लोग सुख और दुख में निश्चित व्यवस्था के रूप में बरते जा रहे हैं। ये कौन चर्चा कर रहे हैं आपस में, इस जगत का मुख्य कारण क्या है, ये आपस में वेद ऋषि जो बात करते हैं, वेदों के विषय में जो चर्चा करते हैं, वो ऋषि आपस में चर्चा कर रहे हैं, मतलब इस जगत का मूल क्या है, जीवन का आधार क्या है। और भी कुछ प्रश्न थे, हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है, हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल में उत्पन्न होने के बाद, वर्तमान काल में, इसके पश्चात प्रलय काल जब आएगा, प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं, हमारा परम आश्रय कौन है, हमारा अधिष्ठाता,
हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के कारण अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों को भोग रहे हैं, और इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला इसका संचालक स्वामी कौन है, मतलब एक तरह से ब्रह्म का विषय ये प्रश्न है। पहला प्रश्न जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे योग उपनिषद का पहला उपनिषद ये है, तो पहले श्लोक में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है योग दर्शन पढ़ते हैं ना, पहला श्लोक पहला मंत्र कौन सा आता है? अथ योगानुशासनम। कितना छोटा सा है ना, अथ योगानुशासनम। लेकिन अभी भी मैं पूछूंगा ना कि अथ योगानुशासनम में अनुशासन से क्या संबंधित है, क्या मतलब है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। शॉर्ट सा है बिल्कुल, अथ योगानुशासनम। कुछ अपने उस पर दिमाग लगा लेते हैं, अनुशासन को बोलते हैं, मतलब आपको डीप जाना है थोड़ा सा पहले श्लोक के बारे में, आपका डीप नॉलेज पता चलता है कि क्या समझे आप इन सब चीजों से, ताकि आप किसी को पढ़ा सको, ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं आगे। ये वाला श्लोक ये कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो श्लोक इंपॉर्टेंट होगा वो जरूर जरूर बताऊंगा मैं आपको। चलिए धन योग में चलते हैं। ये है हमारा द्वितीय अध्याय, आप सिलेबस में आ चुके हैं, ठीक है? सिलेबस के द्वितीय अध्याय के जो पांच श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय अध्याय के प्रथम के पांच श्लोक अभी सिलेबस में है हम लोग, ठीक है? पहले अध्याय में परमदेव परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान उपाय ध्यान योग को बताया गया है, पहले अध्याय में ही ध्यान योग का वर्णन किया गया है, ठीक है? उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रारंभ किसमें कर रहे हैं, द्वितीय अध्याय में, मतलब किसमें था ये पहले अध्याय में ही बता दिया गया था, और उसकी संपूर्ण व्याख्या किसमें हो रही है, द्वितीय अध्याय में। अब देखो इसमें से पहले, सबसे पहले ध्यान की सिद्धि के लिए पांच मंत्रों में परमेश्वर से प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया। यहां से प्रश्न बना कि प्रथम पांच मंत्रों में किसका वर्णन है, आपको पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न बनेगा जो भी चीज आप देख रहे हो, ठीक है? प्रथम पांच मंत्रों में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। युंजान प्रथमम मनस तत्वाय सविता धिय अग्नेर ज्योतिर निच्याय पृथिव्या अध्य भारत। अब इसमें क्या बताया है, सविता अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा। सविता ध्यान के बारे में सुने हैं ना आप सभी? यस सर। क्या होता है उसमें, शॉर्ट में बताइए बिल्कुल। सविता ध्यान होता है ना सर, उसकी विधि नहीं। तो कुछ लोग होंगे जो डीएसवीबी से होंगे, उनको तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए। कौन कौन है डीएसवीबी से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से कौन कौन है यहाँ पे, कोई है? एनीवन? कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखिए सविता ध्यान भी ना बेसिकली इसी पे फोकस करता है, मतलब जो सूर्य को, मतलब जो सूर्य चमक रहा है हम देख रहे हैं ना, मतलब जो उसे भी चमका रहा है, मतलब जो उसे भी रोशनी दे रहा है, उसे भी ज्योति प्रदान कर रहा है, उसे कहते हैं, उस कौन दे रहा है वो, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा सविता। पहले हमारे मन बुद्धि को तत्व प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप में लगाते हुए अग्नि की ज्योति को अवलोकन करके पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करें, मतलब क्या है, प्रार्थना ही हो रही है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन किसमें लगे, आपकी प्राप्ति में, ठीक है? ये किससे प्रार्थना हो रही है, परमेश्वर जो सबको उत्पन्न किए हुए
सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा हमारे मन और बुद्धि की वृत्तियों की कहां पे लगाना है? तत्व की प्राप्ति में। तत्व क्या है? वही परम तत्व, अपने दिव्य स्वरूप में लगाएं। और हमारी अग्नि आदि इंद्रिय अभिमानी देवताओं के जो विषयों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है उसे दृष्टि में रखते हुए बाह्य विषयों से लौटाकर हमारी इंद्रियों में स्थिरता पूर्वक स्थापित कर दें। इस कुल मिलाके हमारी जो है ईश्वर से प्रार्थना है पहले में। दूसरे में क्या है? प्रथम पांच श्लोक देखना है, दूसरा देखते हैं। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे सुवर्गीयाय शक्तया। युक्तेन मनसा, कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा ये योग में, ठीक है, कई जगह। इसमें क्या कह रहे हैं? वयम, वयम मतलब हम लोग, हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परमदेव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा परमानंद प्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें। ये भी प्रार्थना है, मतलब हम शक्ति मांग रहे हैं ईश्वर से। जो भी हमने प्रार्थना की थी सबसे पहले सेशन के स्टार्टिंग में, वही है, अर्थात हमारा मन निरंतर भगवान की आराधना में लगा रहे और हम भगवत प्राप्ति अर्थात जनित परमानंद की अनुभूति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील रहे। इसमें हमने क्या समझा? इसमें भी प्रार्थना ही की जा रही। तीसरे में भी प्रार्थना है, युक्त्वाय मनसा देवान सुवर्यतो या दिवम बृहद ज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवातितान। इसमें कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना उनको आप जरूर लिख लेना, जैसे सविता। सविता का क्या तात्पर्य है? सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, ये हमारे काम की चीज है। और इसमें कौन सा कोई ऐसा वर्ड जो आपको दिख रहा हो इसके पहले वाले में भी, ठीक है? ऐसा मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में पूछ लेते हैं, उनको भी देखना है आपको। ये हो गया, इसमें भी सब प्रार्थना ही है, ठीक है। चौथे वाले में क्या है? युज्यते मन उत युज्यते धियो विप्रा विप्रश्य ब्रहतो विपश्चित। इसमें देखो एक विप्रा वर्ड आया हुआ है, एक विप्रा एक शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या आपको पता है? नहीं पता। विप्रा का मतलब होता है ब्राह्मण आदि। ब्राह्मण कौन है? जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना मन लगाते हैं वही ब्राह्मण है, ठीक है। परमात्मा की प्राप्ति में जो अपना मन लगाए वो ब्राह्मण, एक शब्द में, जिसमें जो मन को लगाते हैं वो विप्रा ब्राह्मण आदि, जो जिसमें मन को लगाते हैं और बुद्धि की वृत्तियों को लगाते हैं। कौन लगाते हैं? ब्राह्मण। उनका कार्य ही होता है परमात्मा की प्राप्ति करना। अग्नि आदि शुभ कर्मों का विधान जितना भी कुछ है ना, इस पे देखते एक बार, जिन पर ब्रह्म परमात्मा में श्रेष्ठ बुद्धि वाले ब्राह्मण आदि अधिकारी मनुष्य अपने मन को लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकार की बुद्धि वृत्तियों को भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मों का विधान किया है। कौन है ये? किसके बारे में कह रहे हैं? विप्रा, ब्राह्मण के विषय में, ठीक है। जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाले और एक अद्वितीय है, उन सबके महान सर्वव्यापी सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परम देव परमेश्वर की अवश्य ही हमें भूरी भूरी स्तुति करनी चाहिए। उपासना कर रहे हैं जो वेदों को जानते हैं, ठीक है, उसी परमेश्वर के बारे में बताया। यहाँ पे एक वर्ड आप जरूर लिख लेना, विप्रा। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आते हैं ना, अपने आपको एग्जाम के पर्पज से स्टार्ट रेडी रखो, आपकी कैसा प्रश्न आ सकता है। वृहत का मतलब सभी को पता है, वृहत मतलब सबसे महान। और इसमें और कोई सा एक वर्ड नहीं, बाकी सब तो नॉर्मल से है। होत्रा का मीनिंग क्या है सर? किसका? होत्रा तीसरे लाइन में है सर, वी होत्रा दधे वेनादि वेना वेना विदेक। बता रहे बता रहे। देखो ये जो होत्रा है ना, देखिए चार चीजें होती हैं। होत्रा चार ऋत्विक होते हैं, यज्ञ में चार किसके होते हैं? चार वेदों के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ में चार ऋत्विक होते हैं, ऋत्विज। एक होता है होता,
इसी को होत्रा बोला यहाँ पे, होता अर्धव्यूह उद्गाता और ब्रह्मा। ठीक है, होता कौन होते हैं, जो यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है वो होत्रा कहलाता है। ठीक है, अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों का विधान किया लिखा है ना, कि सब वेद से संबंधित शब्द हैं। जी सर, होता अर्धव्यूह उद्गाता और ब्रह्मा। अर्धव्यूह कौन होते हैं, अर्धव्यूह वो होते हैं जो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। ठीक है, उद्गाता कौन है, उद्गाता सामवेद के मंत्रों का गान करते हैं। आखिरी में ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है, यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है, यज्ञ का संचालन करता है, चतुर्वेदित होता है, चारों वेदों को जानने वाला होता है। ब्रह्म अथर्ववेद से संबंधित, मतलब ज्ञान सबका होता है लेकिन मुख्य रूप से अथर्ववेद को ज्यादा जानता है। ठीक है, ये चार ऋत्विज हो गए। जी फिर से बताएं। हाँ सर, देखिए पहला होता है चार ऋत्विज, आप लिख लीजिए, चार ऋत्विज होते हैं जो चार वेदों के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ में चार ऋत्विक होते हैं। कौन कौन से, पहला होता, दूसरा अर्धव्यूह, तीसरा उद्गाता, चौथा ब्रह्मा। पहले वाले में लिख दो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है, दूसरे में लिख दो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, तीसरा कौन सा वेद आएगा, सामवेद के मंत्रों का, फिर चौथा ब्रह्मा, अथर्ववेद से संबंधित है वो। मैं इसको भेज दूंगा, ये किताब आप मंगा लेना, एक बुक है ये उपनिषद सार संग्रह मनोज बिश्नोई की, उसको आप लोग पढ़ लेना एक बार, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में नॉलेज हो जाएगा आपको। पांचवा आप देख लेते हैं, पांचवे में भी किसका वर्णन होगा, पहले ही कह दिया है परमेश्वर का वर्णन है, युजे वाम ब्रह्म पूर्वम नमो भी विश्लोक एतु पथ्येव सुरे श्रृणवंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु। ठीक है, ये पांच श्लोक हो चुके। इसमें भी हे मन और बुद्धि, मैं तुम दोनों के स्वामी और समस्त जगत के आदि कारण परब्रह्म परमात्मा को बार बार नमस्कार करके विनय पूर्वक उनकी शरण में जाकर उनमें संलग्न होता, मेरे द्वारा जो उन परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है वह विद्वान पुरुष की कीर्ति के समान समस्त जगत में व्याप्त हो जाए। उसे अविनाशी परमात्मा के वे सभी पुत्र जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं भली भांति सुने। अब है आगे, क्या है आगे, पहले तो प्रार्थना हो गई, अब है ध्यान के लिए परमात्मा से स्तुति करने के प्रकार बताने के अनंतर, मतलब बाद में, अब छठे मंत्र में ध्यान का वर्णन कौन से मंत्र में है, छठवें मंत्र में, सिक्स नंबर में। प्रथम पांच में क्या था, परमेश्वर की स्तुति आराधना, अब छठवें नंबर में ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका श्लोक आ चुका। ऐसे कहानी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ध्यान की स्थिति का वर्णन सातवें में मनुष्य को उस ध्यान में लग जाने के लिए आदेश दिया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन छठवें नंबर का श्लोक। यहां पे वही चीज है, ये देख रहे हो, ये लाइट दिख रही है ना, ये सर, ध्यान विधि का महत्व इसी को शॉर्ट करके बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये इसी को शॉर्ट करके वहां पे दिखाया, एक बार देख लीजिए आप लोग। अग्निर्यत्रा अभिमथ्यते वायु यत्राधिरुध्यते सोमो यत्रादि रुच्यते तत्र संजायते मन। मन को कहाँ लगाना है, जिस स्थिति में अग्नि प्रकट करने के लिए अरणियों द्वारा मंथन करने की भांति, अरणी अब समझ रहे हो क्या होता है, अरणी समझ लीजिए, जैसे अपन जंगल में है वहां तो माचिस होती नहीं है, माचिस बॉक्स नहीं होता वहां पे, तो ऐसे ऐसे करके ना लकड़ी को एक अरणी के ऊपर रख के ऐसे मंथन किया जाता है, उससे क्या उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न होती है। अभी भी मतलब कई जो बड़े यज्ञ होते हैं ना, उस पर ऐसे माचिस मार के उसमें आग ही नहीं लगाई जाती, आग उस पर ऐसे उत्पन्न की जाए, अरणी से ही आग उत्पन्न की जाती है, ऐसे ऐसे करके जब बहुत हीट होती है तो अपने आप अग्नि उत्पन्न हो जाती है और फिर वो जल जाता है। अग्नि अरणी क्या है, अरणी मंथन, अरणी मतलब एक
यंत्र जिसके द्वारा ऐसे ऐसे रगड़ते हैं लकड़ी को उसके ऊपर, और घर्षण सर, हाँ घर्षण, अरणि एक तरह से समझ लीजिए यंत्र है। आप अगर सर्च करेंगे ना अरणि क्या है, तो अरणि के बहुत सारे उसमें यंत्र देखने को मिल जाएंगे आपको गूगल में भी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जिस स्थिति में अग्नि प्रकट करने के लिए अरणियों द्वारा मंथन करने की भांति अग्नि स्थानीय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले अध्याय में मंत्र कहे हुए हैं, उसी प्रकार से शरीर के नीचे की अरणि, शरीर को नीचे की अरणि और ओमकार को ऊपर की अरणि, ठीक है, अरणि समझ रहे हो, वहां पे एक नीचे एक ऑब्जेक्ट होगा एक ऊपर होगा, तो नीचे की अरणि शरीर को बोली है और ऊपर की अरणि जो है वो ओमकार है, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे ध्यान कैसे बताया हुआ है, अरणि के रूप में बताया हुआ है, शरीर को नीचे की अरणि बनाइए और ओमकार को ऊपर की अरणि बनाकर, किसके द्वारा, जप और उसके अर्थ रूप परमात्मा का निरंतर चिंतन रूप मंथन किया जाता है। ये पहला हो गया, जहां पे प्राण वायु का विधि पूर्वक भली भांति निरोध किया जाता है, किसके द्वारा निरोध करेंगे आप, प्राणायाम, प्राणवायु का निरोध कैसे होगा, प्राणायाम के द्वारा, जहां आनंद रूप सोमरस अधिकता से प्रकट होता है, उस ध्यानावस्था में मनुष्य का मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। ये इस ध्यान में बताया हुआ है, क्या करना है, क्या समझ में आया इसमें, ध्यान योग कैसे बताया है, इसमें अरणि का वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार अरणि होती है, एक नीचे की अरणि एक ऊपर की अरणि, नीचे की अरणि शरीर को बनाना है, ऊपर की अरणि ओमकार को बनाना है, उसी ओमकार का जप और उसका निरंतर परमात्मा के रूप में चिंतन करते हुए, पहला तो ये हो गया, ठीक है, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अपना संपूर्ण मन ध्यान ही करना है ना, तो ध्यान किस में लगाना है, उस शुद्ध परमात्मा में लगाना है, जिससे आपका मन क्या हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्लाइड में आते हैं, अब देखो इसमें स्लाइड से देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट, ऐसे श्लोक्स का वर्णन वहां पे किया गया है, अब हम लोग स्लाइड से ही देखते हैं कि उसी ध्यान विधि का वर्णन यहाँ पे था। अब ध्यान विधि का महत्व क्या है, मन को शुद्ध करने का तरीका, लास्ट में लिखा था, आपने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले, मन को ये शुद्ध करने का तरीका ध्यान विधि में बताया गया है, ठीक है, परमात्मा को प्राप्त करने की साधना बताई है ध्यान योग को। ये हो गया, क्या क्या करना था शॉर्ट में बताया है, अग्नि का मंथन कैसे होगा, ओमकार का उच्चारण, इसमें एक वर्ड आप जोड़ लीजिएगा अरणि, ठीक है, अरणि आप इसमें जोड़ सकते हैं, ओमकार का उच्चारण है, प्राणवायु का निरोध है प्राणायाम से, और सोमरस की अधिकता हो रही किससे, आनंद भाव से, इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर ध्यान विधि का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है, किसी को कोई डाउट ध्यान का, कोई डाउट किसी को बताइए, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान कैसे करना था आपको बता दिया, अरणि के समान, अब ध्यान की विधि कैसी होगी, आपका शरीर की स्थिति कैसी होगी, इसके बारे में अब अगले श्लोक में बता रहे हैं। ध्यान योग की विधि, त्रिरुनंतम स्थाप्य समम शरीरम हृदय इंद्रियाणि मानसा सानिरुद्ध्य ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान स्त्रोतांसी सर्वाणि भयावहानी। त्रिरुनतम ऐसे होता है यहाँ पे, वैसे तो इसमें केवल एक वर्ड लिखा है लेकिन इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, सिर ग्रीवा और वक्षस्थल, जो त्रि रुनतम लिखा है ना यहाँ पास एक वर्ड, इन इस एक वर्ड में सिर गला और छाती आ गई है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में ना सीक्वेंस पूछते हैं कि श्वेता सत्रोपनिषद में ध्यान विधि के लिए उपयुक्त क्रम क्या दिया हुआ है, आपको तीन ऑप्शन दिए होंगे, तीन ऑप्शन दे रखेंगे, पहले ऑप्शन में किसी को गले को आगे कर दिया जाएगा, किसी ऑप्शन में वक्ष को आगे कर दिया जाएगा, किसी ऑप्शन में सिर को आगे कर दिया जाएगा, किसी में कुछ बना दिया जाएगा, और इससे प्रश्न बन जाएगा,
तो आपको ये याद रखना है कि इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है सिर, गला और छाती का। गीता में क्या दिया हुआ है, कोई बता सकता है? शरीर, सिर, गर्दन। वो एक वर्ड बताइए किसी को याद हो तो। समकाय शिरोग्रीवम। समकाय शिरोग्रीवम, ये एक वर्ड याद कर लीजिए, कई जगह काम आता है। आपने अगर घेरण संहिता पढ़ी होगी तो वहां पे भी समकाय शिरोग्रीवम आया है, किस आसन में तो आया है, शायद कूर्मासन में है, कई जगह दिया हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। कहां से कैसा प्रश्न बनाएगा ये आपको ही तैयार करना है अपने मन में, ठीक है? इसके पहले जो श्लोक था वो बिल्कुल नॉर्मल सा था, लेकिन वहां से प्रश्न कैसे बनेगा, पढ़ना बस नहीं है, अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है, सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ ऑब्जेक्टिव अपने आप को रेडी करना है आपको। त्रिरुन्तम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणी मनसा सानिरुद्ध्य। सिर, गला और छाती, इन तीनों को सीधा करके स्थिर रखें। कौन? विद्वान पुरुष, उस योग साधक को विद्वान पुरुष बोला है, ठीक है? उसके पश्चात संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरोध करें। संपूर्ण इंद्रियों को किसके द्वारा? मन के द्वारा। कहां पे लगाना है? हृदय में। हृदय में निरोध करना है, जो मतलब जो हृदय की जो आवाज आती है ना, आप सुन सकते हो क्या? ये बैठे बैठे अपने हृदय की गति कैसी चल रही है अभी आपकी? अभी नहीं सुन सकते हैं। आपको अपने हृदय में ध्यान लगाना है। आगे ओमकार रूपी नौका द्वारा संपूर्ण भयावह स्रोतों को पार कर जाए। ये पूरा एक श्लोक ऐसा बताया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ब्रह्मोडपेन ये वाली स्लाइड में, यहाँ पास लेजर लाइट से दिखाते हैं, ये यहाँ पास जो दिख रहे हो आप ब्रह्मोडपेन, तो ब्रह्मोडपेन का मतलब जानते हैं क्या है? ओमकार, ओमकार रूपी नौका को ब्रह्मोडपेन बोला है। उडपेन तो मतलब नौका ही होता है, ब्रह्मो मतलब ओमकार। ओमकार रूपी नौका में बैठना है और संपूर्ण भयावह स्रोतों को पार कर जाना है। ये भयावह स्रोत क्या है? क्या है भयावह स्रोत? ये भयावह स्रोत इसी संसार जगत को कहा जा रहा है कि यहीं पे हम आते हैं, भोग करते हैं, वापिस से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर अपने कर्मों अनुसार वापिस से कोई योनि मिलती है, उसका जन्म लेते हैं, फिर इस स्रोत में फंसे हुए हैं। बार बार मृत्यु आती है, बहुत ही बुरा होता है वो मंजर जब मृत्यु आती है ना? मृत्यु के समय कैसी स्थिति होती होगी ये हम इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस हम मर जाते हैं, मरने से पहले कितने सारे दृश्य हमारे सामने थे, कितना दर्द होता होगा हमें। मरते समय तो दर्द हो ही रहा है, जीते जी भी दर्द हो रहा है, एक तरह से भयंकर हम कहां स्रोत में फंसे हुए हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि ध्यान योग की इस विधि में इनसे आप बाहर निकलिए, अपना ध्यान कहां पे लगाएं? उस परमात्मा में लगाना है। किसका सहारा लेना है? ओमकार रूपी नौका का, ठीक है? समझ में आया? यस सर। देखो यहाँ पे लिखा है पूरा कंप्लीट, त्रिरुन्तम स्थापितम शरीरम हृदय इंद्रियाणि मनसा समनिवेश्य। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सिर, गला और छाती तीनों अंग ऊंचे उठाए हुए, शरीर को सीधा और स्थिर करके समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा कहाँ पे लगाना है? हृदय में समनिवेश, निरुद्ध करे। फिर ब्रह्म उड़पेन मतलब ओमकार रूपी नौका में बैठे, उसके पश्चात इस संपूर्ण भयावह स्रोतों को, प्रवाहों को पार कर जाए, मतलब इस संसार सागर से पार होने की बात हो रही है। कहां पे लग जाए? संसार सागर से पार होकर कहां पे लग जाए? तो अपने आप को आध्यात्मिक बना के पढ़ना है, ब्रह्म में वास्तविक आनंद उसी ब्रह्म में है, यहाँ पे ये समझने की बात, ठीक है? अब देखिए, पहले ध्यान बता दिए, अब क्या बताएंगे? अब देखना है आपको, प्राणान प्रपीड्ये संयुक्त चेष्टा छीणे प्राणे नासिकयो उच्छसीत दुष्ट अश्वयुक्तमिव वाहमेनम विद्वान मनो धारियता प्रमत्तता प्रमत्तः। अब देखिए ये क्या है,
ये पूरा का पूरा क्या है, नौवा श्लोक क्या है? पूरा का पूरा नौवा श्लोक प्राणायाम है, ठीक है। श्वेता सत्र उपनिषद में किस अध्याय में प्राणायाम का वर्णन किया गया है? दूसरे के सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, याद कर लीजिए, दूसरे के नौवें में प्राणायाम का वर्णन किया गया है। किस अध्याय में ध्यान का कौन सा श्लोक में ध्यान का वर्णन किया गया है? ये श्लोक देख रहे हो, बहुत छोटा सा दिख रहा है, माइनर सा बिल्कुल, इससे प्रश्न आएगा आपको, ठीक है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ हाईलाइट करने को जरूर करना आप लोग। अब प्राणायाम कैसे बताया है? बुद्धिमान साधक को चाहिए कि उपर्युक्त योग साधना में सबसे पहले संयुक्त चेष्टा युक्ताहार विहारस्य, ठीक है, इसमें भी आहार विहार के बारे में बोला है, आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथायोग करते हुए, सीधे प्राणायाम नहीं किया जाता, क्या किया जाता है पहले? आहार विहार, किसकी दृष्टि से? अध्यात्म की दृष्टि से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्राणायाम करके विधि पूर्वक प्राणायाम करें, उसके बाद प्राणे छीणे, प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उनको बाहर निकाल दें, उसके पश्चात क्या करें? उसके पश्चात, इसके बाद दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी सावधानता पूर्वक गंतव्य मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार किसको ले जाना है? शरीर को, इंद्रिय को, या फिर मन को? मन को, मन को, मन को। यहां से प्रश्न बना है, ठीक है। जिस प्रकार एक सारथी जो होता है ना, अपने अपने घोड़े को एक सही दिशा में चलाता है, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्राणायाम मन से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। यहां से प्रश्न बना है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे पढ़ना है। मेन मेन जो मैं वर्ड्स बोलूंगा ना, उनको आप अपने कॉपी में या फिर नोट्स में हाईलाइट कर लेना, वो आपके काम आएगा। सबसे पहले प्राण को क्या करना है? छीण करना है। छीण मतलब, छीण कैसे होगा? जैसे प्राणायाम की उच्च अवस्था का क्या रेशियो? निरोध, निरोध तो है, लेकिन फिर रेशियो है? हाँ, 2:8:4। अधम, मध्यम, उत्तम, जैसे उसमें देखा होगा आपने, हिरण्य संहिता में भी है शायद, 20 का पूरक है, 80 का कुंभक है, और फिर 40 का रेचक है, 1:4:2 का ही रहेगा रेशियो, ठीक। उसमें मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन 1:4:2 का ही रेशियो रहता है हमेशा। अब आप सोचिए, 20 सेकंड तक श्वास को भीतर लेना है, 80 सेकंड तक श्वास को भीतर रोकना है, और फिर 40 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालना है। 20, 80, 40, आप सोचिए करके देखिए, 20 सेकंड तक श्वास को भीतर लेके देखिए, फिर 20 सेकंड लेने के बाद 80 सेकंड रोकने का प्रयास करिए, फिर उसको 40 सेकंड तक बाहर निकालिए, और लगातार ये प्रक्रिया आपकी चलेगी कितनों घंटे? कई घंटे तक। ये बहुत संभव नहीं है ना, इसी को कह रहे हैं प्राणों का सूक्ष्म हो जाना। जब प्राण आपके सूक्ष्म हो जाए तो उसको नासिका द्वारा उच्छसित कर देना, बाहर निकाल देना, और उसके पश्चात अपनी इंद्रियों को, सॉरी, जिस प्रकार सारथी अपने घोड़े को संभाल के चलता है, उसी प्रकार अपने मन को अपने वश में किए रहे। तो प्राणायाम का संबंध आपके मन से। अब आगे के श्लोक में यह है कि पर ब्रह्म परमात्मा में जब मन लगाना है, किससे लगाना है? ध्यान से और प्राणायाम से। तो स्थान कैसा होना चाहिए? साधना करने से पहले स्थान भी तो होना चाहिए। इस पर कह रहे हैं समय सूचो, ये श्लोक से याद होने चाहिए, जितने भी मैंने तीन बताए हैं। समय सूचो सरकरा वहनी बालुका विवर्जिते शब्द जला आश्रया दिवी मनोनुकूले ना तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत। कोई भी वर्ड्स बोलने में दिक्कत आ रही है, वापिस से प्रोनाउंस कर दे रहा हूं एक बार। समय सूचो सरकरा वहनी बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि मनोन अनुकूले ना तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाता श्रयणे प्रयोजयेत। अब इसमें क्या है? स्थान के बारे में, किस श्लोक में स्थान का वर्णन है?
किस श्लोक में ध्यान का वर्णन है, किस श्लोक में प्राणायाम का वर्णन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बहुत कम जगह होती है कि एक ही अध्याय में ध्यान प्राणायाम और स्थान का वर्णन देखने को मिल जाए, ठीक है। इसीलिए दूसरा अध्याय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट योग की चीजें दी हुई हैं जिसको हम कोरिलेट कर पाते हैं अभी की लाइफ में। समय सुचव, समय मतलब समतल, सुचव मतलब शुद्ध, शर्करा मतलब कंकड़, वहनी मतलब अग्नि, बालू का मतलब बालू से रहित, विवर्जित मतलब रहित। शब्द जला आश्रयादि भी, शब्द मतलब कोलाहल, जल मतलब जलाश्रयादि भी, बहुत ज्यादा कोलाहल नहीं होना चाहिए। जल और आश्रय आदि की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल हो, ऐसा भी नहीं कि आप एकदम साधना में बैठे हैं और बहुत ज्यादा झरने के पास जाके बैठ गए, या फिर जहां पे बाढ़ आने की शंका है या फिर बाढ़ आ सकती है ऐसी जगह में जाके बैठ गए। तो आपको ऐसा बोला गया है कि शब्द जल और शब्द जलाश्रय आदि भी के अनुकूल होने चाहिए। मनोन अनुकूले, मन के अनुकूल स्थान हो, ना तो चक्षु पीड़ने, ना ही आपकी चक्षुओं को पीड़ा देने वाला होना चाहिए। गुहा निवाता श्रेणे, गुहा आदि वायुशून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। ये स्थान के बारे में वर्णन है। ये श्लोक याद कर लेना, क्योंकि ये श्लोक आएगा अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। समय सुचौ सर्करावन्नी, बालुका विवर्जिते, शब्द जलाश्रयादि भी, मनोनकूले, ना तो चक्षु पीड़ने, गुहा निवाता श्रेणे प्रयोजित। कल जब आप कक्षा में आएंगे ना तो मैं आपसे ये श्लोक पूछूंगा, ठीक है। अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर कर लीजिए आप लोग। अभी आप जाएंगे और इन श्लोक के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, जैसे मैंने समझाया है ना, एक बार बस जाके ओपन करके बस देख लेना, और फिर उस श्लोक को केवल लिख के, मैंने बताया था स्टिकी ले लीजिए आप और उस पर चिपका दीजिए, और सुबह शाम 3-4 बार उसको देख लीजिए। क्योंकि ये श्लोक आपके, मैं बता रहा हूं, आप चाहे कितना ही पढ़ लो, अगर मेजर चीजों को आप याद नहीं करोगे, रटोगे नहीं, वो भूल जाएगी। योग इतना सारा है ना, 10 उपनिषद, फिर इतने मुख्य उपनिषद, फिर उसके बाद फिर गीता है, फिर पेपर 1 है, फिर पेपर 2, इतना आप सबको याद करना है। थोड़ा सा मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना उनको तो आप भूलिए मत बिल्कुल, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें आगे और क्या है। अब देखिए आप साधना में बैठ चुके हैं, ध्यान भी लग चुका, प्राणायाम भी लग चुका, स्थान भी पता चल गया आपको, तीनों चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद आपको कैसे पता कि आपकी साधना सही हो रही है या गलत, कैसे पता है आपको? आप अपने आप को साधक, साधु से या साधक समझ के बैठिए, आप साधना में खुद ही बैठे हुए हैं, मतलब कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मेरी साधना सही हो रही है कि नहीं हो रही है। आप पढ़ते हैं तो आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो योग दर्शन में जो ये विभूतियां हैं वो क्या हैं, क्या है वो एक तरह से बाधा है, सिद्धियां हैं, सिद्धियां क्या है, बाधा तो है ही, लेकिन क्या है वो बता रही है सिद्धियां, चिन्ह है हमारे सही मार्ग में जाने। हाँ, वो सिद्धियां आपको बता रहे हैं कि आप सही मार्ग में जा रहे हैं, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने अगर भूत जय की सिद्धि प्राप्त कर ली तो क्या होगा, ठीक है। आपने अगर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया तो क्या होगा, ये सब बताया गया है उसमें, एक स्टेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। सिद्धियां बाधा तो है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो क्या है, क्लिष्ट अक्लिष्ट पढ़ा है ना सब कुछ, ये सब क्लियर है ना। क्लिष्ट क्या होता है जी सर, हाँ, तो वहां पे जो इंद्रियों की जो जितनी भी वृत्तियां बताई हैं चित्त की ना, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों बताई हुई हैं। वैसे ही जो जितनी भी सिद्धियां मिलती जाती हैं, ये क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, पूरी तरह से बुरी नहीं होती, उसको किस में लगाना है, कैवल्य की ओर, इस पे देखेंगे तो किसकी ओर, परमात्मा की ओर, उनके साक्षात्कार की ओर,
आत्म साक्षात्कार की ओर लगाना वही है। अब देखिए आपको कैसे पता चले कि आप सही जा रहे हो, सबसे पहले निहार, धूम, अर्क, अनिला, लानाम, खद्योत, विद्युत, स्फटिक, शशि नाम, एतानी रूपाणी पुरेशराणी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योग। सीक्वेंस आएगा दोस्त यहाँ पे कि सबसे पहले क्या दिखा उस साधक को, सबसे पहले साधक जब साधना में लीन होगा, प्राणायाम कर रहा होगा, मन को ध्यान में लगाया होगा, सबसे पहले उसको एक अपने अंतःकरण में सबसे पहले एक जो चीज दिखाई देगी ना वो होगा कोहरा, कोहरा जैसे दिखाई देगा उसको हल्का सा। ये आपका जस्ट एक कल्पना है, आप ऐसा कल्पना कर सकते हो, ठीक है। कोहरा जैसा दिखेगा, निहार मतलब कोहरा, धूम मतलब धुआं, अर्क मतलब सूर्य, अनिल मतलब वायु, अनुरा नाम अग्नि, उसके बाद क्या मिलेगा खद्योत, खद्योत मतलब होता है जुगनू, विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, फिर स्फटिक, स्फटिक मतलब स्फटिक मणि, उसके बाद शशि नाम, शशि मतलब चंद्रमा, मयंक नाम का मतलब भी चंद्रमा होता है, मेरे नाम का चंद्रमा। ये सीक्वेंस मिलेगा, बहुत से दृश्य योगी के सामने क्या होंगे, प्रकट होते जाएंगे। ये सब योग की सफलता को स्पष्ट रूप से क्या कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं आप सही जा रहे हैं। सीक्वेंस याद हो कर लोगे ना, इस लोग याद कर लेना। यस सर। ठीक है, अब 9:18 में 4 मिनट और, ठीक है। इंद्रिय जय हो गया, यहाँ अभी आपने प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, स्थान भी जान लिया, प्रथम अध्याय में क्या है वो भी जान लिया आपने, और क्या जान लिया, और क्या जान लिया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, प्राणायाम, प्राणायाम भी जान लिया कैसा होता है, ठीक है। प्राणायाम का संबंध किससे है, इंद्रिय से या मन से, मन से, मन से, मन से, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आपने इतनी सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है, आगे के श्लोक में भूत जय की सिद्धि बताई हुई है। अगर आप इन 5 भूतों पर, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसको एक शब्द में बोला है प्रथव्य तेजो अनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते ना तस्य रोगो ना जरा मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि यदि साधक इन 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर ले, अगर हम योग दर्शन में ये बात करेंगे तो क्या मिलेगा, योग दर्शन पढ़ लियो ना सब लोग, कौन पढ़ाया था इस बार, जी सर लक्ष्मी मैम पढ़ाई, क्या मिलेगा अगर इसका संबंध किस श्लोक से है, उसमें अरिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होंगी, भूत जय की सिद्धि, ठीक है, अच्छा जा रहे हो, बताओ बताओ बताओ, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव धीमान घातश्च, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्त तदर्मान भी घातश्च, एक और मिलता है क्या, बल वज्र सैनन, दो मिलते ना कि एक मिलता है, तीन सर, एक अनिमादि सिद्धि रहेगा, उसके बाद काय संपत्त और है जो भूतेक धर्म है ना उससे भी वो हो जाएंगे, ये तीनों, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, चलो तो ये श्लोक वही है, ठीक है। वहां पे क्या क्या हो रहा है, काय संपत्त हो रहा है, अरिमा आदि प्रादुर्भाव हो रहे हैं, है ना, और क्या हो रहा है सर, काय संपत्त और बल वज्र सहनन तत्वानि च, ठीक है। अब देखो उसमें ये सब चीजें हो रही, कोरिलेट कर लिए तुरंत आप लोग, कितना अच्छा पढ़ रहे हो। अगर आपने 5 तत्व पर विजय प्राप्त कर ली, ये 5 तत्व हैं,
सम्यक पांचों भूतों का सम्यक प्रकार से उत्थान कर लेना, मतलब विजय प्राप्त कर लेना, वही घूम फिर के चीजें वही आती हैं योग दर्शन में, उन्हीं में उन्हीं के आगे पीछे घूम रही हैं। मतलब योग दर्शन मैं बोलता हूं पूर्ण संपूर्ण योग का ना बैकबोन है। अगर आपकी बैकबोन में कुछ भी इंजरी आती है तो आपका शरीर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ठीक है, नर्व आपके डाउन हो ही जाएंगे फिर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो पांच तत्व हैं ध्यान योग का साधन करते करते जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांचों तत्वों का उत्थान हो जाता है, अर्थात जब साधक का इन पांचों महाभूतों पर अधिकार हो जाता है, वही क्या हो जाना, अधिकार हो जाना, पंच महाभूतों पर अधिकार हो जाना से एक शब्द में बताओ क्या मतलब है योग दर्शन के अनुसार। भूत जय की सिद्धि, वो तो है, उन तीन चीजों के नाम बताओ, केवल एक वर्ड बताओ यार, इस पंच महाभूत पर अधिकार हो जाना क्या कहलाएगा एक शब्द में। योग दर्शन पढ़ के आयो ना, कोरिलेट करो, थोड़ा सोचो, फोर्स करो अपने ब्रेन को, संयम की बात हो रही है दोस्तों। ग्राह विषय, हाँ ये संयम की बात हो रही है, ग्राह विषय की बात नहीं हो रही है। पांच महाभूतों पर अधिकार हो जाता है, तो वहां आपने देखा है ना, उस विभूति पाद में जितनी विभूतियां आती हैं संयम से ही आती है, त्रयम एकत्र संयम, संयम के बाद ही सारी विभूतियां उत्पन्न होती हैं। तो ये पंच महाभूत पर जिसको अधिकार हो जाना मतलब संयम हो जाना, उसे क्या मिलेगा, पांचों सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। उस समय योग अग्नि में शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस योगी के शरीर में ना तो रोग होता है, ना चा रोग हो, ना ही बुढ़ापा होता है, और ना ही उसकी मृत्यु होती। मृत्यु होती है का मतलब वो मरता ही नहीं, ऐसा नहीं है इसका मतलब, क्या मतलब होगा इसका, अकाल मृत्यु नहीं होती, असामयिक मृत्यु तो निश्चित है, ठीक है, मृत्यु नहीं होती है इसका मतलब समझ रहे हो क्या, जब तक आपका ये शरीर एक क्या है, साधन है, केवल शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती, तो आपको अच्छे से पता है शरीर की आवश्यकता हमें होती है अपने इस आत्मा का जो है ना, देही और देह तो आप जानते ही हो, तो इस देह को केवल इस साधन के रूप में बनाकर तब तक लगाए रखना जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और वो एक जन्म से नहीं होगी, कई जन्म लगते हैं, कई बार मृत्यु होती है, फिर जन्म लिए, फिर वहीं से साधना स्टार्ट हुई, फिर जन्म लिए, किसी किसी की एक ही बार हो जाती है, किसी की कम बार में होती है, तीव्र संवेगाना आसन है, पढ़ा है आपने योग दर्शन में, इसकी तीव्र ज्यादा होगी वो जल्दी पा जाएगा। तो ऐसे ही शरीर जो है ना, मृत्यु नहीं होती, इसका मतलब ये तब तक साथ देगा जब तक आपको आपकी आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य, आपको परमात्मा का साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक ये शरीर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, बाकी मृत्यु तय इस शरीर की, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। लिखा भी तो है, अभिप्राय है कि उसकी इच्छा के बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है, यहां लिखा भी है। अभी आज के लिए इतना इनफ है, और आप लोग आगे पढ़ के आना, क्योंकि इस अध्याय का हर एक श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लघुत्तम आरोग्यम लौलुप्तम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठम च गंध शुभो मूत्र पुरुष मल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदन्ति, ये भी आप लोग एक बार पढ़ना, ठीक है। अब देखो आपने इतना सारा श्लोक पढ़ लिया, स्लाइड एक बार देख लो, अब आप बताना ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्या मन ध्यान विधि का महत्व पढ़ लिया आपने, बोला यस सर, जी सर, ध्यान योग की विधि में स्थान कैसा होना चाहिए वो भी आपने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया आपने, अब ध्यान योग की साधना की साधना में प्रारंभ की सफलता के क्या लक्षण आते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं, वो भी क्या पढ़ा है आपने इसको, जी सर, ये पढ़ लिया, यस सर, पढ़ लिया आपने। अभी योग साधना पंच महाभूत सिद्धि ये पढ़ा आपने, जस्ट पढ़ा, कभी पढ़ के आ रही, यस सर। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है ना,
ना रोग होता है, न वृद्धावस्था आती है, न असामयिक मृत्यु होती है। ये तीन चीजें याद रखने ना, काम आएंगी आपके। और योग सिद्धि के लक्षण, योग की पहली सिद्धि, ये भी आपने एक तरह से देख लिया है, ठीक है। योग की पहली सिद्धि क्या होगी, कैसे पता चलेगा साधक को योग की सिद्धि होगी? शरीर हल्का हो जाएगा, आरोग्यता आ जाएगी, विषयों में आसक्ति नहीं होगी, वर्ण शरीर की उज्ज्वलता हो जाएगी, स्वर की मधुरता हो जाएगी, शुभ गंध हो जाएगा शरीर का, और मलमूत्र की कमी हो जाएगी, मतलब शरीर में कम मलमूत्र का उत्पादन होगा। तो ये सारी चीजें हमने आज देख ली हैं, अब कल देखेंगे इसके आगे। ये भी तो देख ली है क्या, ये वाली स्लाइड पढ़ी है क्या, प्राणायाम का क्रम? जी सर, पढ़ लिया। ये भी आपने पढ़ लिया है, प्राणायाम का क्रम कैसा होना चाहिए। योग सिद्धि का महत्व आपने नहीं देखा है अभी, और फिर उसके बाद तृतीय अध्याय में आ जाएंगे हम, और इस प्रकार ये खत्म, ठीक है। मतलब आपने पहला अध्याय ऑलमोस्ट कवर कर लिया, कल हम द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे, सॉरी छठवां अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों की गति बहुत तीव्र तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना आपको चीजें? जी सर, जी सर, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए सर, ये स्लाइड ग्रुप में भेज देना, ठीक है। वो ग्रुप में मैं नहीं हूँ, मैं जैसे ही ग्रुप में आता हूँ मैं आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर इसकी बुक हमारे पास है नहीं, तो खाली स्लाइड से हो जाएगा या बुक लेना कंपलसरी हो जाएगा सर? थोड़ा सा